रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद क्षेत्रीय कार्यशाला में भंडार अधीक्षक पद पर कार्यरत रहे रामचरित वर्मा को उनके रिटायर होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन सोमवार को क्षेत्रीय कार्यशाला पर शाखा अध्यक्ष कैलाश प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। कार्यशाला के सदस्य ने रामचरित वर्मा का माल्यार्पण किया और पुरस्कार देकर भावभीनी विदाई दिया। कार्यशाला के सदस्यों ने कहा कि विगत 2 साल से भंडार अधीक्षक पद पर कार्यरत रहे रामचरित वर्मा जी का कार्यकाल बड़ा ही साफ सुथरा रहा। उनके अच्छे कार्यों के लिए आज हमने इस विदाई समारोह का आयोजन किया है। शाखा के अन्य कर्मचारियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। हम उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवा प्रबंधक संतोष कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे, महेश कुमार सहित भारी संख्या में कार्यशाला के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शाखा मंत्री अजय कुमार ने कहा, इस कार्यक्रम में उपस्थित और हमारे मित्र, हमारे बड़े ही, जिनका अनुभव हमको आदरणीय जयप्रकाश, पहले मैं आप सभी के श्री चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और स्नेह पूर्वक अगर विदाई न हो तो उसका स्वागत करते हैं। और जाने वाले का आज ही की तरह से हम सम्मान पूर्वक, जैसे दुकान से हम अगर कोई लड्डू पेड़ा मिठाई बतासा खरीदते हैं लेकिन वो किसी संत के हाथ में चला जाता है या कहीं मंदिर में चला जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। हम जिस संगठन से काम करते हैं उसका नारा है भारत माता की जय, और इसी नाते भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपन ठेंगड़ी, उन्होंने थर्ड वे का सिद्धांत दिया और कहा भारत में ये नारे बदलने चाहिए। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, दुकानदार हो, जनता हो, वोटर हो, वोट लेने वाला है, हम सब भारत माता की संतान हैं। इस नाते, भारत माता की संतान होने के नाते, हो सकता है हमारा कार्य क्षेत्र अलग अलग हो, हमें जिम्मेवारियां अलग अलग हो, लेकिन हम सभी भारत माता की संतान। ये हमारे ये सत्य भंडार अधीक्षक रामचरित वर्मा जी, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हीं का विदाई समारोह हम लोग कार्यशाला के पूरे कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। ये हर रिटायरमेंट कर्मचारी के साथ हम लोग करते हैं सेवानिवृत्त होने पर, यही हम लोग का कार्यक्रम है। कर्मचारियों में बहुत ही अच्छा उत्साह रहा उनके प्रति, उनका कार्य बहुत ही सोशल अच्छा रहा है, ईमानदारी पूर्वक किए हैं, इसीलिए कर्मचारी और उत्साहित हुए हैं। हम लोग जी जान से उनके साथ जो कार्य किए हैं लोग बहुत खुशी से आनंद से रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनका विदाई समारोह किया जा रहा है।